फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे मॉर्निंग और मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है। सारा काम मतलब पूजा, झाड़ू पोछा वो सब। आज ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मैं बेसन का छिला, वो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत दिन से बनाए नहीं हूँ, पर कभी कभी बनाती हूँ। और इसलिए मैं प्याज और धनिया पत्ता और डाली हूँ मैं हरी मिर्च, ये तीनों चीज डाल के चॉपिंग कर ली हूँ। अभी इसको बेसन को निकालूंगी और एक पेस्ट बनाऊंगी। और हबी भी है, उनका तो सेकेंड शिफ्ट चल रहा है तो वो तो आफ्टर लंच जाएंगे ऑफिस, और आते आते तो काफी लेट भी हो जाता है, तो वो है तो बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और मैं बेसन ले रही हूँ, मैं तो अंदाज से ले लूंगी बेसन क्योंकि मुझे अभी अनुभव हो गया है कितना डालना है क्या डालना है, तो मैं हाँ इतना लूंगी बेसन, लगभग आधा। तो इतना बेसन लूंगी और अब इसमें पानी डालूंगी। पानी डाल के मैं अच्छे से इसका एक घोल बनाऊंगी, मोटा वाला घोल, ज्यादा पतला नहीं। और वो पेस्ट में लम्स बिल्कुल आना नहीं चाहिए, अच्छे से वो मिक्स होना चाहिए पानी के साथ। मैं फिर इसके उसके बाद फिर डालूंगी धनिया पत्ता। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं, ये एक अच्छा इजी रेसिपी है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, वेजिटेरियन लोग के लिए तो ये आमलेट है। अब मैं बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के उसका एक घोल बनाऊंगी। ये घोल जैसे डोसा बैटर का घोल होता है वैसे ही होगा, ज़्यादा पतला नहीं होगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं। और इसमें नमक हल्दी सारे चीज़ मिला दूंगी, मिला के इसको अच्छे से फेंटूंगी, बस इतना थिकनेस चाहिए हमें। अब मैं ये प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता को जो चॉप करके रखी थी उसके अंदर डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हो गया है, इतना ही थिक चाहिए। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी, आप कोई भी तेल ले सकते हो, और जैसे डोसा बनाते हैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डाल के मैं उसको ढक दूंगी और आंच हम मीडियम रखेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा उसमें हो रहा है, अब मैं इसको पलट दूंगी। फिर से मैं ढक दूंगी। अब पहला वाला छिला जो है हमारा रेडी हो गया है बेसन का, ये देखिए। अब दूसरा वाला डाल दूंगी, सेम ऑयल में हो जाएगा, ऑयल तो इसमें बहुत कम लगता है। सेम प्रोसेस में ही बनाऊंगी मैं सारे छिला। अब इसको भी दूसरे तरफ फ्लिप कर दिया और ये हो गया हमारा सेकंड छिला। अब बच्चों को पहले दे दूंगी, उसके बाद हम लोगों के लिए बनाएंगे, हबी और मेरे लिए। अभी छिले के साथ मैं ये थोड़ा पुदीना का मायोनीस, पुदीना फ्लेवर का, और चिली सॉस, ये पेरी पेरी सॉस है, आप चिली सॉस भी दे सकते हो, ये दोनों बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। और यहाँ बैठ के बाबू खा रहा है ब्रेकफास्ट। बाबू खा रहे हो, आज क्या कारनामा किया बाबू? अभी उसको डांट पड़ रहा था, ये पूरा विंडो साइड का पूरा खोद दिया है, और खोद के उसका जो गाड़ी है छोटा छोटा बुलडोजर ये सब गाड़ी में वो सीमेंट भरकर यहाँ इसका डॉल हाउस में ये ट्रक में सारा सीमेंट बालू जो एक रखा था उसके पापा ने अभी डांटा उसको और उसको बाहर फेंका। ये इसका डॉल हाउस को भी मिट्टी मिट्टी कर दिया था, ये देखिए कितना खोद दिया है।
अब इसको अच्छे से रिपेयर करना पड़ेगा। अभी तो लॉकडाउन में कौन रिपेयर करेगा, अभी तो नहीं, थोड़ी दिन के बाद ही रिपेयर होगा ये, क्योंकि अब किसी को घर पे हम नहीं बुलाते। तो ये जो नटी बॉय आज काम किए है, बाबू क्या क्या है ये आज बबलू, और गुस्से से बैठा ये, गुस्सा हो बाबू, गुस्सा हो, मेरी बात नहीं करेगा बाबू आज बहुत गुस्से में। यहीं पे सारे कपड़े फोल्ड करके रखियो, अब सारा कपड़ा जाएगा अपने अपने जगह पे। थोड़ी देर के बाद ब्रेकफास्ट करके मैं ये सारा चीज रख दूंगी। और यहीं पे है पति जी, हबी जी, क्या कह रहे हो हबी जी, गुड मॉर्निंग। बेटा को डांट के आ गए हबी जी, पूरा देखा नहीं कैसे किया। हाँ वही तो देखा, पर कोई भी नहीं आएगा ना इस साल तो जो होगा ऐसे टूटा फूटा घर भी टूट जाएगा, तो हम ऐसे ही रहेंगे, इसको भी बुला नहीं सकते अभी। हाँ और अभी चाय मैं बनाऊंगी, आप ही होगे ना आज। चाय तो मैं संडे को ही बनाऊंगा, भूल। हाँ नहीं मैं भूला नहीं, वही तो बोल रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, आप पियोगे? हाँ बना लो। हाँ अभी बना के लेके आते, आज ब्रेकफास्ट में भी अच्छा बना रही हूँ। क्या बना? बहुत दिन से बनाया नहीं था, बेसन का चीला बनाया। अच्छा जल्दी, बच्चे तो दे दिया, बच्चों को तो दे दिया। हाँ अभी लेकर आती हूँ चाय, और चीले के साथ चाय अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं करूंगी लंच का प्रिपरेशन। 12 बज चुका है और यहाँ पे जो मैं करूँ वो रख दी है, ये है पालक, पालक बनाऊंगी, थोड़ा सा पालक बनाऊंगी आज और कल बनाऊंगी, और ये मसूर दाल में देकर ये पालक बनाऊंगी मैं, और ये साग का स्टेम, 2 पटाटो, 3 ब्रिंजल, और ये थोड़ा सा सरसों का पेस्ट, 2 स्पून ली हूँ, बड़ा स्पून में 2 स्पून सरसों का पेस्ट देकर जो हम एक बनाते हैं राई बोलते हैं वो बनाऊंगी, और बस राइस इतना ही बनाऊंगी, और राइस तो ऑलरेडी मैं बिठा दी हूँ, राइस आज तो मंडे है सिंपल बनेगा, इतना ही बनाऊंगी। और आज मैं मसूर दाल का रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड बोली थी मुझे मसूर दाल का रेसिपी शेयर कीजिए करके, मैं जरूर शेयर करूंगी, और वो फ्रेंड का नाम है स्मृति सुमन। तो हाय डियर, और आपके लिए ये वाला मसूर का दाल रेसिपी मैं आपके लिए शेयर करूंगी, और ये मसूर दाल में मैं पालक भी डाल के बनाऊंगी, और ये बहुत हेल्दी होता है, आप जरूर बनाइए अपने घर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लंच, मंडे का लंच। और हाँ, मसूर दाल बनाने से पहले ये स्पून को स्टैंड में रखने का कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी ये काम कर रही थी करके, मतलब पेंडिंग टाइम में ये काम करके मैं ये काम कर रही हूँ। जस्ट जोकिंग, मैं रख लेती हूँ ये काम सुबह का है, पर अभी तक पेंडिंग है मेरा ये काम। अब हम बनाएंगे मसूर दाल। पहले एक बाउल में दाल निकाल लेंगे, मैं ये ग्लास पे एक ग्लास डाल ली हूँ, छोटा वाला ग्लास है। अब हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। अब कढ़ाई में मसूर दाल को डाल देंगे, और इसी बाउल में मैं 2 बाउल भर भर के पानी दूंगी दाल में। अब थोड़ा इसको अच्छे से ऐसे हिला के उसको मैं ढक के पकाऊंगी। बॉईल आने तक हम पकाएंगे। अब मैं ये साग को भी चॉप कर लूंगी, और ये पटाटो, ब्रिंजल, सारे वेजिटेबल को कट करके रखूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे टाइम मिलेगा कि दाल उबाल आने तक टाइम है। अभी सारा चॉपिंग कर दिया, चॉपिंग क्या बस। ये साग का स्टेम, ब्रिंजल और पटाटो, ये तीनों के साथ मस्टर्ड पेस्ट देकर मैं बनाऊंगी।
और ये अभी पालक को भी चॉप करूंगी दाल में डालने के लिए। पालक तो जल्दी हो जाता है इसलिए दाल होने के बाद ही मैं डालूंगी पालक। मुझे दाल पालक बहुत पसंद है। हो गया मेरा और थोड़ा बहुत है और अब इसमें उबाल आ गया है और ये जो व्हाइट व्हाइट निकलता है दाल में ये निकाल देंगे। ये निकालने से दाल और भी अच्छा टेस्टी बनता है। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर अब इसके अंदर जाएगा नमक और मसूर दाल में मैं ज़्यादातर हल्दी नहीं डालती हूँ। कभी कभी अलग सा बनाती हूँ तो डालती हूँ, नहीं तो मसूर दाल में ऐसे ही अच्छा लगेगा। और दो ग्रीन चिल्ली को मैं काट के इसके अंदर डाल दूँगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसूर दाल में। अब दाल गल गया है देखिए, ये तो जल्दी ही गल जाता है। मूंग दाल मसूर दाल ये दोनों तो जल्दी हो जाता है। और इसको कढ़ाई में या हांडी में बनाने में ही अच्छा लगता है। कुकर में दे देंगे ना उसका अलग सा टेस्ट चला जाता है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये पालक। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। अब इसको ढक्कन नहीं देंगे, ऐसे ही पकाएंगे तो ये पक जाएगा, बहुत कम टाइम में पक जाएगा। बस इसको अच्छे से मिला देंगे, मिला के छोड़ देंगे। और अब मैं बनाऊंगी हमारा साग और राई। जो तो इसके लिए पंचफोड़न और ड्राई रेड चिल्ली को मैं तड़का लगा दी। अब मैं ये पटाटो डालूंगी, पटाटो को थोड़ा देर फ्राई करूंगी। फिर इसको थोड़ी देर ढक दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके इसके अंदर अब ब्रिंजल और ये साग का स्टेम दोनों ही डाल दूंगी। डाल के और थोड़ी देर मतलब हाफ मिनट बस ऐसे फ्राई करूंगी। अब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक दूंगी और नमक देके थोड़ी देर ऐसे ही और भी फ्राई करूंगी उसको, ताकि अच्छे से नमक और हल्दी मिल जाए सब्जी में। और थोड़ी देर ढक दूंगी। और इधर मेरी पालक बन गया है। और ये हो गया है, आलू भी बॉईल हो गया है। अब मैं इसके अंदर दूंगी सरसों का पेस्ट। दो स्पून सरसों का पेस्ट देंगे बड़ा स्पून में। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। सरसों पेस्ट देकर कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ अगर बनाते हो तो ज़्यादा देर भुनना नहीं है। अब मैं इसके अंदर दे दूंगी चिल्ली पाउडर। बस और थोड़ा पानी दे दूंगी, देखकर इसको अच्छे से मिला दूंगी। और थोड़ा सा पानी दी हूँ मैं हाफ कप। बस इसको अभी बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं साग का तड़का लगाऊंगी, पालक का। पालक के साग तड़का लगाने के लिए मैं थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च बस कूट के ले लिया है। अब हो गया हमारा साग तड़का लगाना। और यहाँ पे भी मेरा राई बन गया है, वेजिटेबल राई। बस हो गया मेरा वेजिटेबल राई। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, थोड़ी देर ऐसे कवर करके रख दूंगी। और ये पे है मेरी मसूर दाल और यहाँ पे है साग और राई। अब बच्चों को खाना दे दूंगी मैं, हम भी खा लेंगे पर पहले बच्चों को दे दूंगी। और ये राई तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा वेजिटेबल भी जाता है तो सरसों का पेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। दोनों को पकड़ नहीं पा रही हूँ। और आज मेरे बेटे को मैं खिला रही हूँ क्योंकि उसका थोड़ा काल से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। अब आज तो बहुत अच्छा हो गया, कान का दर्द उसका कम हो गया है। फिर भी मैं बोली हूँ रखो तो रखा है वो ब्लैंकेट से उड़ के।
चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।